गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड डे मॉन्ट्रियल में, और अभी के आई थिंक 9:30 बज रहे कुछ। मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। पहले मुझे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रा देखना है। यहाँ पे जो ट्रांजिट सिस्टम है, ओपस कार्ड करके मैंने कुछ सुना है, तो मैं रिसेप्शन पे पूछूँगा कि वो कहाँ मिलता है। उससे मतलब एक वीकली पास लेके आप बस, ट्रेन्स, मेट्रोज हर जगह ट्रैवल कर सकते हो। तो फिर सीन ये है आज का कि अभी सबसे पहले तो ट्रैवल का, ट्रांजिट का देखना है मुझे, और उसके साथ साथ वो एक बार हो जाए फिर बाद में मैं कैफ़े वगैरह जाके अच्छा ब्रंच या ब्रेकफास्ट, जो भी मतलब सिचुएशन होती है उस हिसाब से करके, फिर वहाँ से सोच रहा हूँ मैं ओल्ड पोर्ट जाने का, ओल्ड मॉन्ट्रियल। वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूरोपियन ये है, एक आर्किटेक्चर्स वगैरह है, तो थोड़ा वो भी एक्सप्लोर करूँगा बेसिकली। लेट्स सी कैसा होता है आज का दिन। बस अभी उस कैफे की तरफ जा रहा हूँ मैं। आउंजा नाम का कैफे है, इसे काफ़ी मतलब फेमस है यहाँ पे, ईरानियन कैफे है। और आउंजा का मतलब फारसी में एक्चुअली देर, मतलब वहाँ होता है। मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं यार ये वाला भी कैफे। एक्चुअली कैफ़े का एम्बियंस बहुत अच्छा है। मैंने अभी एक सैंडविच ऑर्डर किया है और कैफे मोका। और यहाँ पे हर जगह एक्चुअली कहीं भी खाने पीने का करना है तो आपको वैक्सीन पासपोर्ट दिखाना है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिनकी जिनको कम्प्लीटली वैक्सीनेशन मिल चुका है। मेरे पास वो है तो मुझे टेंशन नहीं है। उसके अलावा डाइनिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको टेक आउट करना पड़ेगा अगर आपको आपके पास वैक्सीन्स नहीं है, वैक्सीन्स और पासपोर्ट नहीं है। तो ये जो कैफ़े है ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है। यहाँ पे मस्त एकदम अच्छा इन्होंने एक ये डेकोरेशन बना के रखा हुआ है। आउटलुक बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत सही है। मैंने सैंडविच मंगाया, स्पिनिच सैंडविच। मैं तो अभी ये इन्जॉय करने वाला हूँ फुल ऑन, उसके बाद मैं मोस्टली म्यूज़ियम जाऊँगा। फाइन आर्ट्स का म्यूज़ियम बहुत सही था एक्चुअली, स्पेशली उन लोग के लिए जो आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट रखते हैं। काफ़ी काफ़ी कुछ एंशिएंट आर्ट था, बहुत ही मतलब एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आप आर्ट के फैन हो, मतलब जिसको आर्ट पसंद है, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ऑल, उसके लिए बहुत मस्ट विजिट लोकेशन। टिकट, हाँ टिकट थी उसकी $16, बट इट्स वर्थ। मैंने ओपस कार्ड ले लिया है, $6 का कार्ड होता है और $28 मुझे वीकली पास मिल गया, सो 34 के आसपास पूरा टैक्स वैक्स लगा के हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड पोर्ट की तरफ, तो यहाँ से ग्रीन लाइन लेके, उसने मैप भी दिया मुझे, बहुत सही हो गया। तो यहाँ से ग्रीन लाइन लेके फिर ऑरेंज लाइन लेना, ऐसा कुछ है। ओल्ड पोर्ट एरिया में आ गया हूँ पूरा। यहाँ पे एक बहुत फेमस चर्च है, कैथेड्रल, नॉर्थे डैम, बेसिलिका ऑफ मॉन्ट्रियल। तो मैंने सोचा वो भी एक्सप्लोर कर लिया, तो अभी वही उसी की तरफ जा रहा हूँ एक्चुअली। नहीं, यहाँ पे शायद कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है या क्या हो रहा है वैक्सीन को लेके। मुझे तो फ्रेंच पढ़नी आती नहीं है, कुछ लिखा तो वैक्सीन सा लगा मुझे।
पता नहीं यार क्या है। वो चर्च के पास पहुंच गया, यहाँ पे बहुत ही सही एक वायलिन बजा रहा है ये, और ये है चर्च। Oh, is it closed? It's closed for visitors. It will be open Thursday, Friday, or Saturday evening for the sightseeing, for the light show inside the church. Okay. Or Saturday afternoon just for sightseeing. Okay. For reading. I think visitors के लिए अभी बंद है ये, पर Thursday, Friday और Saturday खुला हुआ है। 6 से 8 बजे टिकट्स ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, वो भी अंदर कोई लाइट शो है उस चीज़ के लिए। मैं ये भी देखता हूँ, मैं आई माइट बुक, देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री का म्यूजियम है आगे, वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। उससे पहले थोड़ा कुछ खाना वाना कर लूँ एक कैफ़े में। कैफे में खाने का मज़ा ही अलग है कुछ। इसका एम्बियंस यहाँ पे बहुत सही है, एकदम फ्रेंच यूरोपियन फीलिंग देगा आपको। आई वुड सजेस्ट कि जब तक यहाँ पे हो ना, ट्राई करो कैफेज एक्सप्लोर करने का जितना हो सकता है। लाइट फूड, अच्छा कॉफ़ी, चाय, जो भी प्रेफर्ड है। अभी मैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री म्यूजियम के पास हूँ, ये वाला, और सोच रहा हूँ ये भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। आर्कियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, जिसको पसंद है। म्यूजियम में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था, फ्रेंच इटालियन हिस्ट्री को लेके, मॉन्ट्रियल से कैसे इनके ट्रेड रूट्स थे, इनके क्या क्या मतलब इन्होंने क्या करेंसीज यूज़ की थी, कॉइन्स वगैरह वगैरह ट्रेड कंडक्ट करने के लिए। जो यहाँ के जो फर्स्ट नेशन बोलते हैं, जो यहाँ के नेटिव इंडियंस है उनके साथ। अभी मैं जा रहा हूँ पोर्ट मॉन्ट्रियल की तरफ। ओल्ड पोर्ट पे मैंने बहुत अच्छे से रिलैक्स किया यार, मस्त ऐसा एक बेंच था, जैसे वो बीच पे होता है ना, आप आराम से लेट सकते हो वैसे वाला, मस्त वहाँ पे रिलैक्स था। ठंडी हवा चल रही थी, धूप से मुंह पे गिर रही है, बहुत मज़ा आया। अभी बस के लिए रुका हो, 7:15 बस है यहाँ से, जो मुझे बैरीकुआम मेट्रो स्टेशन तक लेके जाएगी, वहाँ से फिर ट्रेन लेके पील तक, और फिर पील से सीधे होटल। वहाँ पे जाके थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूँगा, रिलैक्स करूँगा, और फिर शाम को थोड़ा और बाहर निकलूँगा, देखते हैं।